हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। इस साल को ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। मिलेट यानी हमारे अनाज जो रहते हैं, ज्वार, बाजरी, रागी, और इसमें ये किनवा करके एक अनाज है जो कि साउथ अमेरिका में इसकी फसल उगाई जाती है। ये एक सुपर फूड भी कहा जाता है और मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब एमिनो एसिड्स भी इसमें है। ये फुल प्रोटीन इसको कहा जाता है। इसमें सब विटामिन बी जो है, सब विटामिन बी इसमें मौजूद है, और इसके ग्लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से ये डायबिटीज़ में काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। इसका हाई फाइबर कंटेंट जो है, इसके वजह से पेट अपना ये भरा भरा रहता है, भूख लगती नहीं है, और ये वेट लॉस में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तरीके से आप इसको पका के खा सकते हैं, खिचड़ी, कांजी, पॉरेज, लड्डू, सूप, अलग अलग तरीके से इसको पकाया जाता है, और इसको हमेशा ये भिगो के रखना है, क्योंकि इसका ऊपर का कवरिंग जो है काफ़ी हार्ड रहता है, एक 5-10 मिनट के लिए, और ये भीगने के बाद जो है ये ऐसा दिखता है। और पकाते वक्त इसका रेशियो जो है, 1 कप अगर आपने किनवा लिया है तो 2 कप आपको पानी लेना है पकाते वक्त। और इसको एक कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि सब एमिनो एसिड्स जो है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है, सब इसमें मौजूद है, और इसका जो हार्ड कवर है उसकी वजह से ये हज़म होने में, डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, तो भूख हमें जल्दी लगती नहीं है। तो अभी इसको एक कटोरी मैंने यहाँ पे लिया है किनवा खिचड़ी बनाने के लिए, और इसको भिगो के रखा था मैंने। अभी इसको पानी जो है निकाल लेना है स्ट्रेनर में। एक कढ़ाई हम लेंगे, कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। ये वेजिटेरियन खिचड़ी है, आप इसमें सोया चंक्स भी डाल सकते हैं, आप इसमें चिकन डाल सकते हैं, मटन डाल सकते हैं, आपके चॉइस के हिसाब से खिचड़ी आप बना सकते हैं। तेल गरम होने के बाद इसमें हम राई डाल देंगे, 1 बड़ा चम्मच। राई तड़कने के बाद इसमें हम जीरा डाल देंगे, जीरा को खोने के बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। 1 बड़ा प्याज लिया है मैंने, उसको ऐसे लंबा स्लाइस कर लिया है, और प्याज को हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे सॉफ्ट होने तक। इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, एक तो इसको किनवा बोलते हैं, नहीं तो फिर किनवा बोलते हैं, और अपने इंडियन लैंग्वेज में बोले तो इसको बथुआ कहते हैं, ये बथुआ इसको बोला जाता है। प्याज पकने के बाद इसमें हम वेजिटेबल्स अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे गाजर को बारीक चॉप कर लिया है 1/2 कप, और फ्लावर लिया है मैंने कॉलीफ्लावर, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये कुक थोड़े से हमें कुक करना है, थोड़ा इसको क्रंची टेस्ट आना है। थोड़ा सा नमक हम इसमें डाल देंगे, यानी सब्जी का जो है पानी जो है मॉइस्चर निकल आएगा और जल्दी कुक हो जाएंगे। ये काफ़ी हेल्दी ग्रेन है, इसमें अभी हरी मिर्च 1 डाल देंगे आपके टेस्ट के हिसाब से, और इसमें अदरक और लहसुन की पेस्ट है खिचड़ी को और थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए, और अदरक और लहसुन जो है उसका कच्चापन निकल नहीं जाता तब तक इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे मटकी लिया है स्प्राउट्स, वो 1/2 कप हम इसमें ये स्प्राउट्स डाल देंगे। ये जो खिचड़ी आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी आप ये खा सकते हैं, दिन भर भूख लगती नहीं है, और शाम के टाइम में अलग कुछ अगर आपको बनाना है तो ये फटाफट जल्दी बन जाती है ये खिचड़ी, और एक हेल्दी वर्जन है खिचड़ी का। और 1/2 कटोरी हम इसमें चॉप्ड टमाटर भी डाल देंगे, आपके पसंद के हिसाब से आप इसमें सब वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। अभी मटर का सीज़न है तो आप मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने स्प्राउट्स डाली इसलिए मैंने इसमें मटर डाले नहीं हैं। और बहुत जल्दी और फटाफट ये खिचड़ी बन जाती है, कुछ टाइम लगते नहीं है। और यहाँ पे और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये
लहसुन की पात ली है, अभी ये विंटर सीजन में काफ़ी आती है ये लहसुन के पत्ते, तो ये मैं एक आधी कटोरी इसमें ये लहसुन के पत्ते डाल दूंगी। कुछ तो भी ग्रीन चाहिए हमारे रेसिपी में, इसलिए ये लहसुन के पत्ते डाले, नहीं तो आप इसमें प्याज के भी पत्ते डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, हरा धनिया हम तो डालने वाले हैं बाद में। और इन सब सब्जियों को अच्छी तरह से हम एक बार पका लेंगे। थोड़ा सा क्रंची टेस्ट हमें खिचड़ी में इसमें हमें डालना है। अभी जो हमने बथुआ किनवा जो हमने भिगो के रखा था वो एक कटोरी हम इसमें डाल देंगे, और सब्जियों के साथ ये किनवा को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसको ये कुकर में भी पका सकते हैं, कुकर में डाल के एक सीटी में ये पूरा पक जाता है। थोड़ा सा हमें सब्जियों के साथ इसको अच्छी तरह से हमें रोस्ट कर लेना है। और किनवा के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, पहले हमने थोड़ा सा नमक डाला था। और हमने इसको सोक कर लिया के रखा था इसलिए ये जल्दी पक जाता है। अभी थोड़ा सा हमें इसमें खिचड़ी को और टेस्ट लाने के लिए आधा चम्मच हमें इसमें होममेड ये गरम मसाला डालना है पाउडर। थोड़ा सा हरा धनिया, और इसमें आधा चम्मच हमें इसमें अभी घी डालना है। घी डालने से एक एक दाना हमारा जो है ये छोटा छोटा बनता है खिचड़ी का, ये जैसे गर्म होते जाता है एक एक दाना इसका, ये किनवा का अलग अलग होके एकदम छोटी छोटी ये हमारी ये खिचड़ी बनती है। अभी इसे पकाने के लिए यहाँ पे हमें अभी गरम पानी डालना है। एक कटोरी अभी हमने किनवा लिया था तो दो कटोरी हमें इसमें गरम पानी डालना है, और अगर अंदाज नहीं आता तो किनवा जो है सिर्फ पानी में ऐसे डूबना चाहिए, इतना ही पानी हमें इसमें डालना है। ये देखिए अभी पानी हमने इसमें डाल दिया है, एक उबाल आने देंगे और फिर इसे ढक के एक 5-10 मिनट के लिए हमें इसे अच्छी तरह से हमें पका लेना है, और बीच बीच में ढक्कन निकाल के हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करते रहना है, यानी पानी जो है बराबर वो किनवा जो है ये सोख कर लेगा और अच्छी तरह से ये किनवा जो है हमारा पक जाएगा। ढक्कन लगा के अभी 5-10 मिनट तक हमें पका लेना है। हमने सोख करके रखा था इसलिए ये जल्दी पक जाता है, अगर डायरेक्ट आप ऐसे रोस्ट करके डालेंगे तो एक 15-20 मिनट इसको लगते हैं पकने में। ये देखिए ये धीरे धीरे अभी ये पकने लगा है, और जब ये इसका दाना पकता है तो ये स्प्राउट जैसे ये अंकुर आता है वैसा एक अंकुर उसका एक निकल आता है, तो समझ लेना कि ये किनवा जो है हमारा ये पक चुका है। ये देखिए ये खिचड़ी हमारी ये 5-10 मिनट में ये रेडी हो गई, और ये देखिए ये कितना ये छोटा छोटा खुला खुला ये हमारा किनवा बना है, बिल्कुल भी चिपक चिपकी नहीं बनी है ये, एक एक दाना इसका छोटा छोटा हुआ है। ये देखिए ये हमारी किनवा की खिचड़ी, किनवा की खिचड़ी ये रेडी हो गई है। हेल्दी न्यूट्रिशियस किनवा खिचड़ी, और ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए इसका एक एक ये अंकुर दिख रही है आपको, ये ऐसे अंकुर उसका जो है ये ऐसे निकल आते हैं यानी, और ये ट्रांसपेरेंट भी हो जाते हैं ये पकने के बाद, इसके ग्रेन्स जो है। हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे ताज़ा ताज़ा, और अभी सर्व करने को लेते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं प्याज के साथ, पापड़ के साथ, अचार के साथ, लेकिन आप इसको दही के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये गर्मा गर्म ये खिचड़ी जो है ये ऐसी बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे हम इसके ऊपर ताज़ा ताज़ा,
और इसको और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे देसी घी डाल के आप खा सकते हैं। ये एकदम इजी सिंपल रेसिपी है किनवा खिचड़ी की, हेल्दी वर्जन खिचड़ी का। आप इसे बना के देखिएगा फ्रेंड्स। मेरी ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप भी ये हेल्दी वर्जन खिचड़ी का घर पे बना के देखिएगा, जिसको वेट लॉस करना है उसके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।